top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Go. मैं आना देलवी आपका इस्तकबाल करती हूँ। आदाब। आज हमारी मुलाकात बहुत दुनिया के वो बहुत बड़े एक ऐसे कवि से मैं बातचीत करने जा रही हूँ जिसके आजकल भी मतलब कोई उनसे बराबरी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कवि है संतोष आनंद, बहुत बड़ा नाम है जिसका मैं भी बहुत बड़ा सम्मान करती हूँ, मान करती हूँ, पहुंच चुकी हूँ और वो मुझे बेटी की तरीके मानते हैं। आज हमारे बीच हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी। उन्होंने बहुत फेमस गीत लिखे हैं, कई फिल्में ऐसी हैं जो ताजिंदगी लोग कयामत तक याद रखेंगे। उनके एक एक गीत में वो बात है, जो पोएट्री है, जो आज के दौर में गीत आते जरूर हैं मगर गीत आज आए हैं और कल खत्म हो जाएंगे मगर उनके गीत जिंदा रहेंगे ताजिंदगी तक। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। संतोष आनंद जी, संतोष आनंद जी आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपकी कई फिल्में बड़ी फेमस आई हैं जिसमें शोर का गाना बड़ा मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ। और एक आपकी फिल्म क्रांति और एक इस बीच बड़ा फेमस गीत है जिसे शायद लोगों ने बहुत कम देखी हो वो फिल्म मगर उस गाने को अगर गौर से सुना जाए तो इस भरपूर उसमें पोएट्री है। वो बड़े घर की बेटी का गाना है, करना मुसाफिर क्या दिल गिरी सदा मगन में रहना जी, तो वो तो मुझे बेहद पसंद है गीत। हालांकि गीत तो बहुत आपके सारे गीत अच्छे हैं, किस गीत को कह सकते हैं। और प्रेम रोग का एक गीत वो जो बड़ा हिट गीत है, हालांकि सारे गीत हिट है, कोई भी पोएट्री आपने कहीं भी गिरने नहीं दिया, उसमें बहुत मैार रखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ जो गुजरा है वो बताएं। आप अपने जो श्रोताओं को क्या मतलब मैसेज भी देना चाहते हैं और उनसे क्या बात करना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, आज की जो नई जनरेशन जो जो बच्चे हैं उनको नहीं पता। फिर क्या है ना, कल जब हम आ रहे थे तो हम भी नई जनरेशन जी बिल्कुल बिल्कुल, अब जो आ रही है वो नई जनरेशन कहला रही जी जी। ये नया तो चलता ही रहेगा और नया ही पुराना बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नया साल ही गया साल बन जाता है। जी 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 जी, ये समय का चक्र है जी, हमको जितना जीना है जीना है, उस बीच में मरना भी है, चाहे जिंदगी के साथ मरना है या महबूबा के साथ मरना है, मरना तो मरना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जिंदगी ऐसे ही चली है, ऐसे ही चलती है। आप अपने बारे में शुरू से बताइए। मेरे से शुरू से क्या पूछे, बिल्कुल जानना चाहते हैं क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं नए और जो श्रोता हैं आपके चाहने वाले उनको आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि संतोष आनंद क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। होंगे का तो किसी के पास जवाब नहीं, वो हमें पता है कि आने वाले वक्तों में दुनिया याद रखेगी। संतोष आनंद बहुत बड़ा नाम है दुनिया। ऐसा ही मैं तो सिकंदराबाद में, मेरे पिताजी हैदराबाद थे जी, लेकिन जो उनकी इज्जत थी पूरे कस्बे में जी, मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। पंडित अमर सिंह हमारे विद्रोही किस्म के आदमी थे। मैं आगे नमस्ते प्रणाम सर, हमारे बीच बहुत बड़ा नाम एक और हरिओम पवार जी भी तशरीफ गए हैं और उनका भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी तशरीफ रखे हमारे और भी मेहमान कर रही है क्या? दादा आप तशरीफ रखी, दादा प्लीज आप संचालन कर रहे हैं। दादा मेरा नहीं, क्या इसे आप संदेश नहीं मान सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो लोग जो है गाते हुए चले पीछे पीछे, प्यार का लगवा है।
मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है अभी हम संतोष आनंद जी से बात कर रहे थे और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत ही बड़े कवि से मैं बातचीत कर रही थी जो बहुत बड़े गीतकार हैं। मैं तो उनके आज बहुत किस्मत हुई, उन्होंने आशीर्वाद ने मेरे लिए कुछ जुमले भी बोले। हम यहीं पे अपनी बातचीत करते हैं और आप सबसे विदा चाहते हैं। अरे बात सुनो, हर को बुलाना मैं